वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज हम देखेंगे वो है प्रैक्टिस सेट 14.2। और इसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद होगा तो वो था ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन, राइट। इसी फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग देखेंगे अभी। मतलब इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे बट डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के सिनेरियो के अंदर में। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली। द नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब कोई फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है पर स्टार्टिंग में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 320 वर्कर्स काम कर रहे हैं। और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 25% एवरी ईयर बढ़ रहे हैं। हर साल कितने बढ़ रहे हैं, 25%। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। भले ही यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है बट आप वो फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पी मतलब प्रिंसिपल किसको कंसीडर कर लेंगे, 320 को कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कंसीडर कर लेंगे, 25% को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर कर लेंगे। और टाइम तो मतलब जो एन होता है मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो वही जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया उसी को मैं क्या करूँगा, लिख लूंगा। आर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, 25% है। देखिए अमाउंट जो हो जाएगा जो हमको फाइंड आउट करना है, मतलब 2 साल बाद कितने वर्कर्स होंगे, उसके लिए हम क्या अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, ये ए हो जाएगा। आपको जो फॉर्मूला तो पता ही है वही हम फॉर्मूला को यहाँ पर लिख देंगे। पी की वैल्यू 320 आ जाएगी, 1 प्लस अब आर क्या था आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 25% है, मतलब 25 है, तो 25 अपॉन 100 रेज टू पावर एन के पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 320 अगेन आपको पता ही है 100 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 100 और 100 प्लस 25 अपॉन 100 रेज टू पावर 2, तो ये कितना जाएगा, 125 अपॉन 100 स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 320 इंटू, अब ये क्या जाएगा, 125 अपॉन 100 इंटू 125 अपॉन 100। अब देखिए 25 4 से 100 होता है, 25 5 का 125 होता है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी होगा, ये 5 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, ये इक्वल टू 320 इंटू 5 बाय 4 इंटू 5 बाय 4। अभी देखिए 4 1 बाय 4, 4 8 बाय 32 तो 80 हो जाएगा, फिर से 4 1 बाय 4 एंड 4 2 बाय 8 तो 20 आ जाएगा। नाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 इंटू 5, तो बेसिकली 25 इंटू 20 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, ये मतलब 5 इंटू 5 25 हो रहा है ना, 25 इंटू 20 अगर आप करें तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 500 मिल जाएगा। कंक्लूजन में यहाँ पे लिख देंगे, देयर विल बी 500 वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स, और यही हमारे यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखे रखा है, शेफर्ड हैज 200 शीप विद हिम, फाइंड द नंबर ऑफ शीप विद हिम आफ्टर 2 ईयर्स If the increase in number of sheep is 10% every year। तुमको यहाँ पे देखा के रखा हुआ है कि 200 शीप हैं एक शेफर्ड मतलब गडरिए के पास में, या जो शीप चराता है उसके पास में 200 शीप हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा यहाँ पे। टाइम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो हम बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ों को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, अज्यूम कर लेंगे। और ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शीप आफ्टर 2 ईयर हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, वही हमारा जो फॉर्मूला है उसी को हम लिख लेंगे यहाँ पे, ए इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन। और ये हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है कि शीप्स आफ्टर 2 ईयर्स हमको बताने हैं, ठीक है, और हमको फाइंड भी वही करना था। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, आंसर ए इक्वल टू पी की वैल्यू क्या हमारे पास में, 200 आ गया, 1 प्लस आर क्या है, 10 अपॉन 100 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, ए इक्वल टू 200। अब यहाँ पे क्या आएगा, 100 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू पावर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 110 अपॉन 100 का स्क्वायर आ जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे, 200 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 आ जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले जीरो से ये वाला। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 × 11 × 11 मतलब 2 × 121। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 242 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देंगे, शेफर्ड विल हैव 242 शीप्स आफ्टर
2 ईयर्स। देखिए थर्ड पार्ट में देखे रखा है, इन अ फॉरेस्ट देर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमको दे करके रखा हुआ है, पी की वैल्यू देखे रखी हुई है। पी मतलब क्या है, इनिशियली जितने ट्रीज हमारे पास में वो देखे रखे हैं, 3 साल बाद कितने होंगे वो निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है। और हम लोगों का ऑब्जेक्टिव मतलब लैंग्वेज यूज़ की गई है, लेकिन 5% के रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। तो जो हमको गिवन है पहले हम उसको अज्यूम करके लिख लेंगे, लेट नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली हमारे पास कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। आर हमारा हो जाएगा रेट ऑफ इंक्रीज इन ट्रीज, और ए को हम अज्यूम कर लेंगे, लेट ए बी द नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स जो हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए पी की वैल्यू क्या हमारे पास में 40,000 है, तो वही मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, 1 प्लस आर की वैल्यू क्या हमारे पास में 5/100 raised to power 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 100 × 1 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 105/100 raised to power 3 हो जाएगा equal to 40,000। अभी देखिए क्या होगा, हमारा कैंसिल होगा, तो ये 2020 कैंसिल होगा, फिर से 2020 कैंसिल हो गए। अब ये 4 को अगर आप करेंगे तो 4 × 4 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। अगर 5 से अगर अगेन आप कैंसिलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 से यहाँ पे कैंसिल होगा, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 आ जाएगा, फिर से 5 कैंसिल होगा और वो क्या मिलेगा, 21 मिल जाएगा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 105 × 21 × 21, तो ये इक्वल टू वो कितना मिलेगा, 46,305 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर लिख देंगे कि आफ्टर 3 ईयर्स हमारे पास कितने ट्रीज हो जाएंगे, 46,305 ट्रीज हो जाएंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन में देकर रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000 और क्या बोले, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप खरीद लेते तो पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो वही देकर के रखा हुआ है कि 10% उसका रेट कम हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसकी 2 साल बाद कितनी कीमत होगी वो हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू जो हम अज्यूम करेंगे वो कितने अज्यूम हो जाएगी, 2,50,000 एंड आर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा ये क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा एंड हमको देगा कि रखा हुआ है 2 ईयर्स। और देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, पी के वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले तो हम लोग। अब आर जो है बोलेंगे फिर 10 पुट करना है, तो यहाँ पे देखिए डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिसिएशन में क्या होता है हमेशा माइनस होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 100 raised to power 2 हो जाएगा equal to 1। ये और जो 100 आपको पता है 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 100 - 10/100 आ जाएगा 2,50,000, 90/100 का स्क्वायर आ जाएगा, 90/100 × 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, equal to 25 × 90 × 90 आ जाएगा। अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे ₹2,02,500 मिलेगा। ये देखिए ये हमको जो मिला ही है ना वैल्यू, ये हमारी क्या है, 2 साल बाद उतना यूज़ हो चुकी है, पुरानी हो चुकी मशीन, वो कीमत है। तो प्राइस में कितना डेप्रिसिएशन, तो कितना माइनस हुआ वो हमको निकालना है अभी। तो हम कैसे निकालेंगे, जो 2 साल पुरानी प्राइस थी वो उसको माइनस कर देंगे इसमें नंबर से। ठीक है, तो वही मैं करूँगा अभी यहाँ पे। और यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो हमको आंसर मिला 47,500, ये हमारा आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट में देखे रखा हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर्स इज ₹4,036.80 एट द रेट ऑफ 16 PCPA। तो यहाँ पर क्या हमको अमाउंट गिवन है, तो वही हम लिख लेंगे, वो फॉर्मूला तो पता ही है। यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें गिवन थी उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने डायरेक्टली नोट डाउन कर दिया आपके लिए, फॉर्मूला आपको पता ही है। और जो जो वैल्यू को पी के वैल्यू बेसिकली हमको हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए ये 100 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, राइट, तो ये हमको कितना मिलेगा, 100 + 16/100 raised to 2 ना 4,036.80 इक्वल टू पी इंटू हो जाएगा 116/100 raised to power 2 आ जाएगा। अभी क्या होगा, ये पी प्रिंसिपल इक्वल टू इंटू 100/116
स्क्वायर आ जाएगा। नाउ पी इक्वल टू 4,036.80 इंटू 100 अपॉन 116 इंटू 100 अपॉन 116 हो जाएगा। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, देखिए ये वाले 100 को और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये 4,036.80 हो जाएगा इंटू 100 आ जाएगा इंटू 116 इंटू 116 आ जाएगा। अब 116 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस नंबर से, ठीक है, तो हमको कितना मिलेगा 3,480 मिलेगा। तो वही हम लिख देंगे P इक्वल टू 3,480 इंटू 100 अपॉन 116, कि 116 को हम 3,480 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिलेगा, ठीक है। तो ये P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 100, तो P की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, 3,000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में हमें बोला गया था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना था। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सी आई इक्वल टू को पता है ये क्या होता है, ए माइनस पी होता है। तो ए की वैल्यू हमको कितने की बनती, 4,036.80 और माइनस पी की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है 3,000, तो वही हम 3,000 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमको कितना मिल जाएगा, ये ₹1,036.80 और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आंसर हो जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में देखा गया रखा हुआ, लोन ऑफ ₹15,000 वाज टेकन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12 PCPA, ये प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई, ये आर की वैल्यू हो गई और एन की वैल्यू 3 दे के रखी हुई है, ठीक है। तो जो गिवन क्वांटिटी उनको हम लिख लेते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता ही हमारा क्या होता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे ए इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास 15,000 है, 1 प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में, 12 अपॉन 100 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है ये 15,000 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 112 अपॉन 100 क्यूब हो जाएगा। अपने पुराने सारे क्वेश्चन के वीडियो देखे ना, समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने 112 डायरेक्ट क्यों लिखा है। तो ये इक्वल टू मिलेगा 15,000 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। बाकी का आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना होगा या फिर आप ये वाले जीरो से यहाँ पे भी एक जीरो कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली हमको जो मिलेगा 15 इंटू 112 अपॉन हमारा एक जीरो कैंसिल हो गया, तो हमको कितना मिलेगा, ये 1,000 मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो है ₹21,073 और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन में देखे रखा प्रिंसिपल अमाउंट्स टू, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट्स कर रहा है कितना, ये बेसिकली अमाउंट की वैल्यू देकर रखी है, ए की वैल्यू जो होती है ना वो देकर रखी हुई है, इन टू ईयर्स बाय कंपाउंड ऑफ 18 PCPA फाइंड द प्रिंसिपल। हमको क्या करना है, प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, आपको फॉर्मूला तो पता ही, उसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए हमको प्रिंसिपल को फाइंड आउट ही करना है, तो बाकी जो वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट हमको गिवन है 13,924 इक्वल टू पी आ जाएगा 1 प्लस आर की वैल्यू 18 है, 18 अपॉन 100 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमको क्या कितना मिल जाएगा, 100 इंटू 1 करेंगे मतलब ये कितना होने वाला है, 118 अपॉन 100 का स्क्वायर। अब देखिए पी के लिए क्या होगा, पी इक्वल टू हो जाएगा 13924। अब ये 100 यहाँ पे जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा और 118 क्या होगा, डिवाइड होगा। तो वही हम करेंगे, 100 रेसिप्रोकल हो जाता है बेसिकली जब भी हम क्या करते हैं, साइड को शिफ्ट करते हैं। तो P इक्वल टू 13924 इंटू 100 अपॉन 118 इंटू 100 अपॉन 118। तो 118 को आप 13924 को फिर डिवाइड करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 118 ही मिलेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये P इक्वल टू 100 इंटू 100 पी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, पी को कितना मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 8 क्वेश्चन को देखकर रखा था, पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब इज 16,000, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स इज। अभी देखिए हमको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, तो जो जो हमको गिवन है पहले हम उसको क्या करेंगे, अज्यूम करते हुए लिख लेंगे। और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है।
टाइम जो हमारे पास में आ जाएगा कितना दिया हुआ है, एंड वो 2 ईयर्स दे के रखा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 ईयर्स। और हम क्या करेंगे साथ ही साथ में, लेट आर बी द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आपको फॉर्मूला पता है राइट, हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ए की वैल्यू थी हमारे पास में, वो कितनी थी हमारे पास में 17,640 थी, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे। पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 16,000 है, तो वो हम लिखेंगे 1 + R/100। आर की वैल्यू क्या करनी है हमको फाइंड आउट करनी है, तो आर का तो आर ही रहेगा अपॉन 100 रेज़ टू पावर एन में क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे 16,000 को इधर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से, राइट। अब देखिए ये क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो अभी हमको ये क्या मिलेगा 1764/1600 मिल जाएगा, इक्वल टू 1 + R/100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको सोचना होगा 1764 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 42 का, और 1600 को हम लिख सकते हैं 40 का, ये दोनों स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या हो जाएगा 1 + R/100 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमको कितना मिलेगा 42/40 इक्वल टू 1 + R/100 मिल जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, ये वाला स्क्वायर रूट दोनों जगह पे था, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, तो एक दूसरे को हमने क्या किया उसे कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो 1 जो है यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वही मैं लिख देता हूँ 42/40 - 1 = R/100। तो ये क्या हो जाएगा 42 - 40/40 = R/100 आ जाएगा, तो ये हमको कितना मिलेगा 2/40 = R/100 मिल जाएगा। अब देखिए R इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये 100 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है R से, तो यहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिलेगा हमको 2/40 × 100, तो 0 से ही 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 एंड 2 5 10, तो बेसिकली R इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5%, और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा आंसर होगा। देखिए 9th क्वेश्चन में है, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹700 विल अमाउंट टू ₹847 इन टू अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 PCPA। तो यहाँ पर हमको क्या है n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो जो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल P इक्वल टू हो जाएगा ₹700, और हमको यहाँ पर अमाउंट दे के रखा हुआ है A इक्वल टू कितना दे के रखा है ₹847, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको जो दे करके रखा हुआ है वो 10% दे करके रखा हुआ है, और हम लेट एन बी द ड्यूरेशन कर लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर एन, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 847 इक्वल टू पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 700, 1 + R/100 मतलब क्या आ जाएगा 10/100 रेज टू पावर एन आ जाएगा। पहले तो मैं क्या करूँगा 700 को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, तो क्या होगा ये डिवाइड होगा, तो 847/700 इक्वल टू 1 + अब ये क्या हो जाएगा 1/10, मतलब कैसे 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, रेज टू पावर एन आ गया। अभी क्या होगा यहाँ पे इसी चीज़ को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, 847 को 700 को भी को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तुमको कितना मिलेगा 100, और 847 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 121, ठीक है। तो वही मैं लिख दूंगा यहाँ पे 121/100 इक्वल टू, अब देखिए 10 जो है ये यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 10 हो जाएगा, और 10 + 1 अगर आप करेंगे तो कितना मिलेगा 11/10 n, ये कितना आ जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर, मतलब 121 को मैं इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, ये इक्वल टू कितना हो रहा है 11/10 n। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो सब कुछ सेम है, तो मतलब हमारी n की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे 2 हो रही है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल टू 2, सो द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन इज 2 ईयर्स, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा फाइनल आंसर होगा। एक 10th क्वेश्चन में बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2008 PCPA। अभी देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है ना, उन्होंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, लेकिन ये नहीं बताया कि ड्यूरेशन कितना लेना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ड्यूरेशन को 2 ईयर्स अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। वो गिवन होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक में, लेकिन गिवन नहीं है, तो हम एक स्टैंडर्ड 2 ईयर्स यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। अभी अब देखिए हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100,
ठीक है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। पी की वैल्यू को पता है कितनी देखे रखे, 20,000। आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 8, और हमने एन एज्यूम किया है 2/100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हमको कितना मिलेगा, इक्वल टू 200 × 16। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹3200। हमें क्या निकालना है इसके बाद में, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो उसी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि अभी तक आपको अच्छे से याद होगा अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए, ए पी की वैल्यू 20,000, 1 + 8/100 रेज टू पार्ट 2, राइट। तो ये कितना जाएगा, 20,000। अब देखिए 100 + 8/100 स्क्वायर करेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, 20,000 108/100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना मिलेगा, इक्वल टू 20,000 × 108/100 × 108/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। तो फाइनली हमको कितना मिलने वाला है, 2 × 108 × 108। तो अमाउंट इक्वल टू को मिल जाएगा ₹23,328, 23,328 मिलेगा हमको, राइट। अभी हमको अमाउंट मिला है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस पी करते हैं। ए का जो वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है 23,328 माइनस पी के वैल्यू हमको गिवन है 20,000, ठीक है। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे, 3,328। ये हमको क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन, पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे अभी। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमको मिला है माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। तो हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, ₹3,328 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारे पास में, 3,200। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे ₹128। और ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, देखने के लिए थैंक यू।